प्रेस लॉर्ड जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्कर में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, एक एक दिन प्रभु का दान है। दुनिया की यात्रा में हमें जो भी मिल रहा है सब प्रभु की ओर से दान है। तो ऐसा है तो आज भी प्रभु में आरंभ करना कितना अच्छी बात है ना। जब गलातीय मंडली को प्रभु का दास बोलता है, तुमने आत्मा में आरंभ किया और शरीर में समाप्त किया, ये अच्छी बात है क्या? ये कभी अच्छी बात नहीं है ना। तो प्रभु के लोग, जो व्यक्ति नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, वो हमेशा हर रोज प्रभु में आरंभ करना कितना अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आज सवेरे सवेरे मैं यहाँ पर आपको ये मतलब वजन बांटने के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी सिर्फ 6:07 हुआ है, तो अभी आपके पास पहुंचते पहुंचते थोड़ा और देर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूं आपको भी जल्दी से जल्दी सवेरे ये मिल जाए। आप भी प्रभु का वचन का ध्यान करते हुए आज का दिन को भी मतलब प्रभु के संग आप बिता पाए, ये प्रभु में मेरा बहुत बड़ा आग्रह है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रियो हमारा प्रभु जल्द आएगा। हमें अपने जीवन को परखना चाहिए, आज मेरा जीवन प्रभु को प्रसन्न करके मैं जी रहा है कि नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ही मौका है। हर एक मौका यदि मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताया, हम कभी नहीं सोचने वाला एक समय में प्रभु का आगमन रहेगा। इवन अगर प्रभु आने में अगर देर हुआ, हमारा मृत्यु भी हम कभी नहीं सोचता। कितने लोग सोने के लिए लेटा था, सुबह जाकर देखा तो मरा पड़ा है, चला गया। उनको भी मालूम नहीं, घर के लोगों को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। तो मृत्यु कभी भी आ सकता है, मृत्यु नीचे है, समय नीचे नहीं। तो इसके लिए हमारे जीवन में एक हम उस मृत्यु के लिए तैयार रहना, उससे बढ़कर के हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना, उसके बाद में प्रभु के न्यायासन के सामने जाने की तैयारी में रहना, ये सारे काम करने का मौका अभी है। इसलिए अभी जो हमें मिला हुआ जो समय है, उसको प्रभु के वचन के आधार में पवित्र आत्मा का अगुवाई में इन सारी बातों को सही करेगा तो कितना अच्छी बात है। और आपको मालूम है जब नौ का काल जैसा काल में प्रभु का आगमन है, तो अभी कौन सा काल है? हम बोलेंगे जरूर एक कृपा युग है, सच्ची बात है कृपा युग है, परंतु समय ऐसा है वो नोहा का काल जैसा काल है। नोहा का काल में क्या था? सब लोग प्रभु को भूल करके, प्रभु को छोड़ करके पाप और बुराई में जीने वाला, सब लोगों ने मतलब प्रभु को, प्रभु का सहारा लेना सब छोड़ दिया, प्रभु को त्यज करके जीवन, अपनी मनमानी के जीवन, वो कितना भयंकर बात है ना। आज भी हम देखते हैं, आज लोगों को प्रभु की जरूरत नहीं, लोग अपनी ज्ञान के पीछे है, दुनिया के पीछे है, प्रभु को भूल कर जीने वाले एक अवस्था। इसलिए होगा शायद 12 भजन संहिता में मतलब दावीद रोकर के कहता है उसका पहला भजन में, हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, मनुष्य से विश्वास योग्य लोग मर मिट गया, एक भी भक्त नहीं रहा। ओ आप देखो प्रियो, एक्चुअली इस समय के संबंध में बोलेगा तो ये वजन बहुत सूट करता है एकदम, क्योंकि अभी भक्त करके बोलने वाले लोग है ही नहीं, है ना। हमारे जीवन में एक सच्चा भक्ति के जीवन कितना जरूरी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन कैसा है, अपने जीवन को थोड़ा परखना। कई बार हम लोग अपने जीवन को परखता नहीं, वो भी हमें धोखा देगा। रोज रोज हमारे जीवन में परखना चाहिए कि वास्तव में प्रभु की दृष्टि में प्रभु का एक सच्चा भक्त बनकर के मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। आज मैं आपको मतलब आपको मालूम है एक अच्छा एक प्रभु का भक्त था, जबकि पुराने नियम के योग योग के बारे में हम लोग कई बार मतलब ऐसा स्टडी करता है, क्योंकि उसके जैसा जीवन काल में इतना प्रतिकूल कष्ट तकलीफ आया हुआ एक भक्त बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए योग का जीवन से सीखने के लिए बहुत बातें हैं, जबकि हमारे लिए हर बात में आदर्श हमारे यीशु मसीह है, हमें मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। तो भी अभी जब व्यवस्था अभी देने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है योग का किताब बाइबल का सबसे पहला किताब है, लेकिन उस योग जब कोई व्यवस्था नहीं दिया गया उस समय में भी कैसा प्रभु का मतलब भय मान करके एक भक्त बनकर जीवन बिताया, ये जानकारी हमारे लिए
और उससे भी बढ़कर के प्रभु का बारे में और प्रभु का वजन के बारे में जानकारी मिला, वो हमारे जीवन उससे कितना बेहतर होना चाहिए। लेकिन बेहतर है क्या? हम एक छोटा सा रीति में एक दिशा में हम प्रभु मतलब योग के जीवन को थोड़ा सा बात आपको बताने के लिए आज प्रभु मैं चाहता हूं बहुत प्रार्थना के साथ। योग का जीवन का चार स्वभाव का उड़ाकर वर्णन प्रभु करता है, ये आपको याद होगा योग किताब पहला अध्याय का पहला वचन। उस देश में योग नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखिए अभी ये किताब आरंभ होते ही उसका स्वभाव का वर्णन करते हुए आरंभ करता है, है? वो भी एक कितना आनंद का बात है प्रियो। लेकिन उसे बढ़कर के प्रभु जो गवाही देता है उसका आठ वचन पढ़ना, सही कोई बात को उड़ा करके प्रभु कहता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास योब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो और कोई नहीं, अभी ये प्रभु का सर्टिफिकेट है। अभी आप देखिए प्रभु से ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलना बोलेगा तो कितना अनोखा बात है प्रियो, है? और कोई नहीं था उस समय में, इतना एक अनोखा जीवन योग विधाता था, है ना? कोई बात आपको मालूम है। और एक बात, जब शैतान से बात करने के टाइम पर और एक बार उसका दूसरा अध्याय का तीसरा वचन में भी प्रभु योग के बारे में गवाही देता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास योग पर ध्यान दिया है? कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। मतलब वो मेरा दास कैसा है, उसका बारे में उसका चार स्वभाव को उड़ाकर गाता है, और योग में भी ये एक सच्चा गवाही था। मतलब वो कैसा जीवन बिताता है, क्योंकि वो अपने जीवन को परखता था, जांचता था। क्योंकि योग का किताब में योग ने खुद गवाही दिया हुआ एक शब्द, उसका नव अध्याय 21 वचन पढ़ना। मैं खरा तो हूं। देखा योग स्वयं अपने बारे में गवाही देता है, मैं खरा हूं। देखिए कितना अनोखा बात है। आज हमारे दिल से आप कह पाएंगे कि मैं खरा हूं, आपको कैसे लगता है? मैं खरा हूं कौन कह पाएंगे? अभी योग ने अपने जीवन में ये गवाही दिया है, मैं कह रहा हूं। इसके बाद में उसका दिल में कोई धड़कन नहीं आ पाऊंगा, कितना अनोखा बात है प्रियो। क्योंकि उसको वो हमेशा अपने आप को परखता था, उस बात का सबूत उसका 23 अध्याय का 10 वचन है, आपको मालूम है। क्योंकि योग अगर अपने बारे में यदि नहीं परखता होता, ये शब्द वो कभी नहीं कह पाता। अभी योग उसका 23:10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखा, मैं सोने के समान निकलूंगा, मैं खरा निकलूंगा। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में हमारे दिल में ऐसे एक गवाही होना कितना अच्छी बात है। आज ये वचन सुनने के समय में आपके दिल में क्या गवाही हो रहा है, आप थोड़ा सोचो। हम किसी का न्याय नहीं करना, लेकिन इन दिनों में हम प्रभु के आगमन की बाहर जो होते रहता है, हमारे दिल का गवाही क्या है? जब पहला योहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन में योहन्ना भी इस विषय में जो कहता है, पहला योहन्ना 3:21, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवा होता है। देखा, हमारा मन यदि हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवा होता है। हमारा मन आज क्या कहता है, हमारा मन का गवाही क्या है, ये बात को हमें परखना पड़ी। मेरा मन मेरे बारे में क्या गवाही देता है, कितना अनमोल बात है ना। अगर हमारा मन गवाही दिया बोल करके भी हम सिद्ध होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि प्रेषित पौलुस के बारे में कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 4:4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रियो बहुत बड़ी बात है,
मेरा परखने वाला प्रभु है। अभी आपको मालूम है, कई लोग हम पूछेगा आपने पाप किया क्या, वो पर नहीं, नहीं मैं तो पर ऐसे मनुष्य को पाप ही बोलना ही पाप है ऐसा बोल करके वो लोग वो बात को विरोध करता है। लेकिन वचन में क्या लिखा ना, ऐसे लोगों के अंदर भी जब भजन संहिता 36 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, भजन संहिता 36 का एक, फिर एलिय ने यह भी कहा, नहीं नहीं भजन संहिता, प्रभु का धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा था दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय में भीतर यह कहता है, बस 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 मतलब वापस पढ़ना, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है, मतलब दुष्ट जन का हृदय में वो अपने आप उसके अंदर ये कहता है कि मैं पापी है, पर तो बाहर उसे नहीं बोलता है, बहुत भयंकर बात है, है? क्योंकि उसके दृष्टि में प्रभु का भय नहीं, उनका हृदय में पाप का बारे में ज्ञान है, लेकिन वो क्या कहता है मैं पापी नहीं है, बहुत भयंकर धोखा है ना, बहुत भयंकर धोखा है, है? मतलब अगर वो पापी नहीं है करके बोलेगा तो भी उसका दिल में वो मन उनका गवाही दे रहा है कि तू पापी है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। भी हो, कुछ भी हो, एक बात हमें जानना है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। युव के बारे में अभी आपने पढ़ा, युव कैसे था, खरा था, उसके जीवन में चार स्वभाव में पहले बात है खरा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु बुलाट, प्रभु का बुलाट पाया वाले एक लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा यह है एक खराई के जीवन। आज मैं एक खराई के जीवन बिता पा रहा है क्या, जब आपको याद होगा जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, आदर किया, प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला था है ना, उत्पत्ति किताब 17 अध्याय का पहला वचन में लिखा है कि तू मेरे सामने खराई से चल, कैसे चलना, खराई से चल है। प्रभु के लोगों में लोग प्रभु के सामने खराई से चलना, ये प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है। कई बार कई लोगों का बात सुनेगा तो उनके दिल की कपटता मालूम नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु को मालूम पड़ता है। प्रभु हमारे जीवन में आज खराई के जीवन, किसी प्रकार भी पाप हमारे दिल में आने नहीं देना, पाप को बसने नहीं देना, सबसे बड़ी बात है। प्रभु ना चाहने वाले बातों से दूर रहना, एक खराई के जीवन। खराई के जीवन का अर्थ क्या है कि हम कई लोगों के बारे में बोलते हैं वो एकदम वो बहुत खरा मनुष्य, उसके दिल में ना कपटता नहीं, वो हमेशा बहुत मतलब उसमें कोई कपटता नहीं, आप लोगों देखो मतलब उनमें उनका दिल में कोई ऐसा किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होता। हम कई लोगों के बारे में उनका स्वभाव को जाना, वो लोग कई लोगों के बारे में गवाही देता है। प्रियो मंडली प्रभु की दृष्टि में कैसे होना चाहिए ना, आपको मालूम है जब श्रेष्ठ गीत में श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन की मध्य में एक शब्द है, श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय 2 वचन का मध्य भाग में मंडली के बारे में आपको मालूम है वहां पर बोला हुआ वो मंडली का एक मतलब वर्णन है। हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतर, हे मेरे निर्मल, हाँ मेरी निर्मल। देखो मतलब प्रभु अपनी मंडली को देख करके आने वाला शब्द है, हे मेरे निर्मल है, हे मेरे निर्मल, मतलब खरा है मंडली, खरा है मंडली को देख करके प्रभु हमेशा खरा दिखना चाहता है। वही श्रेष्ठ गीत 6:9 उसका शुरुआत पढ़ रहा, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल, हाँ देखा मेरी कबूतरी मेरी निर्मल, मतलब यीशु मसीह अपने मंडली के बारे में बोलने वाला वर्णन है। हाँ प्रियो आज हमारे हृदय कैसा है, हमें देखने वाला प्रभु हमारे बारे में क्या कहेंगी, ये एक खरा है मेरा ये भाई खरा है। अभी आपको मालूम है नतनएल को देख के प्रभु ने क्या बोला था, योहन्ना पहला अध्याय का 47 में हम पढ़ता है कि इसमें ये देखो ये सचमुच इसराइली है, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं। प्रियो
हमारा जीवन में हम लोग शायद बहुत लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करता है, पर तो स्वर्ग बोलेगा हे कपटी हमारे दिल में कपटता ना हो। हम जरूर हमें लोग अच्छा जाने अच्छा दिखे ऐसा हम चाहते हैं, पर तो हम लोग अपने दिल में बहुत प्रकार का पाप और बुराई रखते हैं। प्रभु मंडली के बारे में चाहता है प्रियो, मंडली हर प्रकार एक निर्दोष होना चाहिए, खरा होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह की जैसा खरा होना कितना अनोखी बात है। उसके लिए प्रभु ये वचन के द्वारा हमसे बात करता है ना। ये वचन सुनने के समय में हमारा दिल क्या गवाही देता है, जब एपीसी का पत्री में प्रभु क्या करता है मंडली को, उसका 5:26-27 वचन, एपीसी 5:26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखो पवित्र बनाना, उसको वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध करना। ये वचन जब भी सुनता है तो आपको मालूम है आप शुद्ध होते जाते हैं, मतलब अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो ये वचन स्वीकारने वाला आकार आपका मन रहेगा तो शुद्ध होते जाता है। वचन रूपी जल स्नान से प्रभु वचन को मतलब मंडली को शुद्ध करता है कैसा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न तो कलंक न चोरी न कलंक न चोरी न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा पवित्र और निर्दोष प्रियो मंडली कैसे होना चाहिए है ना, प्रभु का हमारा प्रभु कैसा है अपने को मालूम है ना। हमारा प्रभु का श्रेष्ठता का वर्णन करने वाला एक भाग हम इब्रानियों में देखता है, इब्रानियों का पत्र उसका 7 में, इब्रानियों 7 उसका 26 वचन पढ़ना। अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र पवित्र और निष्कपट निष्कपट और निर्मल निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। इतना सुंदर है ये सब महायाजक में प्रभु का वर्णन करने वाला शब्द है। आप देखिए कैसा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में भी जीवन बिताया उसमें एक भी पाप दोष कोई भी नहीं लेकर सका है ना। प्रभु के लिए अनित्य वो लोग नए दिन पाया वो लोग, क्योंकि मंडली कौन है, मंडली नए दिन पाए वो लोगों को जीवन दे। ये बात कितना अनोखा है प्रिय, हम लोग जरूर मतलब ये दुनिया में हम लोग जब माँ बाप से जन्मा, लेकिन हम जो मंडली में जो मंडली का सदस्य जो है वो एक नया जन्म पाया, वो नया जन्म हमें उसका स्वभाव का बनाता है। मैं कई बार सोचता हूँ ये जो यौहन्ना 5:12-13 वचन में बताए वो बात कितना गहरा है वास्तव में है ना। जो भी व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ये तो प्रभु का अनुग्रह है। इतने लोगों को सुसमाचार सुनाता है, आज दुनिया में सुसमाचार ना सुना हुआ लोग बहुत कम है, लेकिन सुना हुआ लोगों में कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करना ये प्रभु को बहुत बड़ा दान है। जो भी प्रभु को ग्रहण किया, अब एक बात थोड़ा उसको सुनिए कैसे क्या बोलता है, परंतु जिन्हों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से जन्मा है, क्या अनमोल बात है ना है? प्रियो वो मनुष्य का हम लोग उसका 6 मैंने उसका 3 वर्ण योगना 3 क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। देखा शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखा हमने कैसे जन्मा, नहीं जन्म पैसे पाया, आत्मा से पाया, प्रभु की ओर से पाया। इतना अनमोल बातें भी हम आत्मा से पाया प्रभु से पाया, फिर हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, उसका योग्य होना चाहिए। आज हमें ये बात को परखकर देखना है कि आज मैंने नया जन्म पाया है, प्रभु ने नया जन्म के द्वारा प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने हमें एक अच्छा मन दिया है। अच्छा मन बोलेगा तो प्रभु का मन, हमें प्रभु का मन दिया
आज भी वो प्रभु का मन एक ही नहीं, हमें एक नया हृदय दिया है। हमारा पुराना हृदय पाप भरा था, प्रभु ने एक नया हृदय दिया, प्रभु ने हमें एक नया आत्मा दिया और प्रभु की आत्मा भी हमको दिया। क्या इतना अनोखा वादन है। इसके बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, हमें एक खरा जीवन होना चाहिए। खरा जीवन कोई कपट निगरी जीवन, कोई भी प्रकार का हमारा बाहर से शौक करके धोखा देने वाला जीवन नहीं। जो है वो एकदम असलियत है, खुला एक किताब जैसा, वो कोई छिपाने वाली बात नहीं। तो युवक का जीवन एक खरा था, दूसरा हम देखते हैं वो सीधा था। देखिए वही वचन में, मतलब आप लोगों को बार बार वो वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं वही पहला अध्याय का पहला वचन में, आठ वचन में, दो का तीन वचन में, मतलब वो सीधा था है, वो सीधा मनुष्य था। बोलने का अर्थ क्या है कि सीधा सच्चा राह पर, योग्य मार्ग पर है, जो भले मार्ग पर चलने वाला था, ऐसा एक गवाही कितना अच्छी बात है। सीधा था मतलब उसमें कोई टेढ़ा बात नहीं था। कई लोग कुछ भी बात बोले घुमा घुमा कर बोलते हैं, मतलब क्या है कि फंसाने वाला बात है उसमें, वो सीधा मनुष्य नहीं है। लेकिन आज हमें ये बात को देखना है, आज हमारा हर एक काम सीधा है क्या। सीधा मनुष्य के लिए एक बार बोल दिया तो वो उतरा ही है, उसको फिर उसमें कुछ मतलब जोड़ने का तोड़ने का बात है नहीं, कपड़ा नहीं, उसमें कोई धोखा के काम नहीं। वो अगर बोल दिया तो वो ऐसा ही है, इसलिए बोलता है हाथों हाथ ना तो ना, उसे अधिक दुष्ट से होता है। तो हमारे जीवन में हमारा जीवन को देख करके लोग भी एक गवाही देना चाहिए कि ये सीधा मनुष्य, और वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है, सीधा है, वो सही कामों को ही करता है। आपको मालूम है जब आकीश राजा के पास जब दाविद गया था, दाविद आकीश राजा के साथ रहने के दिनों में एक बार आकीश को जब एक लड़ाई के बात आया, तब दाविद को भी लेकर चलने के लिए आकीश राजा चाहा, लेकिन आकीश के साथ में जो लोग है सेना लोग सेनापति लोग, उन्होंने मना किया, नहीं 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 उसको लेकर नहीं जाना, वो लड़ाई के बीच में हमें धोखा दे सकता है। तब दाविद को बुला करके आकीश दाविद को बोलने वाले एक गवाही के शब्द है, उसमें ये वचन आया है। जब अगर आप पढ़ेगा तो पहला शमूएल उसका 29 अध्याय का 6 वचन, पहला शमूएल 29 का 6। तब आकीश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, तू तो सीधा है। तू तो सीधा है। देखिए एक राजा, अभी दाविद के बारे में अभी उधरी मतलब एक अभ्यार्थी के रूप में एक शरणागत होकर के मतलब अभी आकीश के पास रहता है, लेकिन दाविद के बारे में आकीश एक गवाही देता है, तू तो सीधा है। देखा कितना सुंदर गवाही है भैया है। हमारे जीवन में लोग भी ऐसा गवाही दे, ये गवाही बहुत अच्छी बात है। दाविद मतलब जैसा युब के बारे में गवाही है, दाविद के बारे में आकीश राजा भी बोलता है तुम सीधा है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, सीधा जीवन बिताने वाले लोगों के लिए प्रभु का वचन है, वायदा है। क्या वायदा मालूम है? वचन संहिता उसका 7 अध्याय उसका 10 वचन की भी पाठ में, वचन संहिता 7 अध्याय 10 वचन की भी पाठ, वह सीधे मन वालों को बचाता है। प्रभु बचाएगा प्रियो, दुनिया उसके लिए गड्ढा खोदेगा है लेकिन प्रभु उसको बचाएगा। प्रभु वचन कहता है सीधे मन वाला लोगों को प्रभु बचाता है। देखिए सीधे मन वाला लोगों को प्रभु बचाता है। मोर्दकाई के खिलाफ में आमान ने बड़ा कम्बा खड़ा किया, अभी मोर्दकाई उस कम्बा में टांगा जाने वाला था, मोर्दकाई को भी नहीं मालूम, लेकिन कौन बचाया? प्रभु ने बचाया, क्योंकि वो एक सीधा मनुष्य था, वो तो सीधा ही काम किया, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने बचाया। प्रभु अपनी भक्तों को खास करके जो सीधे लोगों को वचन गाता है, प्रभु उनको बचाता है। और इतना ही नहीं, एक अनोखा बात क्या है उसका, वचन संहिता 11 अध्याय उसका 7 वचन के भी पाठ पढ़ेगा तू,
धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ बस बस बस, यहां पर धर्मी लिखा है लेकिन सीधे लोग प्रभु को या प्रभु को देखेगा, प्रभु को देख पाएगा, कितना अनोखे बात है, सीधे लोग प्रभु को देख पाएगा। प्रयोग हमारे जीवन में अभी प्रभु को देखने के लिए एक निष्कलंग एक निष्कपट दिल चाहिए, वो किसका है? सीधा लोगों का है। जब मत्ती 5:8 में पढ़ता है जिसका दिल पवित्र है, हृदय पवित्र है, वो प्रभु को देखेगा। अभी यहां पर बोलता है सीधे लोग, क्योंकि उनके अंदर कोई कपटता नहीं, वो जो भी काम करता है सीधा काम करता। कितना अनोखी बात है, आज हमारे जीवन में हर एक बातों में किसी प्रकार का कोई धोखा या कपटता का बात है क्या? कई लोगों की बातें सुनेगा तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके अंदर बड़ा धोखा रहता है ना। एक बार आपको याद होगा, मतलब सबसे अपना पहला परिवार कौन सा? आदम हव्वा का परिवार। उधर एक बड़ा बेटा काइन और एक छोटा बेटा हाबिल। एक दिन बोला, चलो भाई आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, चलो। बोला चलो मैं भी चलता हूं। दोनों मिलकर खुशी से गया, जाकर क्या किया जाकर के पेड़ चढ़ाने के बाद में बहुत खुशी में गया। अभी उस खुशी में जाकर के पेड़ चढ़ा करके आने के बाद की हरकत क्या था? काइन दुखी हो गया, निराश हो गया। हाबिल ने कुछ किया नहीं, हाबिल पर प्रभु प्रसन्न हुआ, उसका भेड़ पर भी प्रसन्न हुआ। बाद में भी वही प्यार दिखा करके देखना वहां पर चला कि काम आया, चलो खेती में चले। छोटा भाई ने बोले चलो खेती में चले, खुशी है ना। और दूसरी तो ले जाने का चक्कर क्या था? उसके ऊपर गुस्सा करके उसको खत्म किया। देखा, बहुत खुशी से बोल करके लेकर गया, परंतु वहां पर वो पगले जैसे यात्रा नहीं रहा। इस यात्रा वहां पर एक भयंकर घातक की बात आया। प्रियो हमारे दिल में और कोई भी प्रकार का कपटता है तो वो कपटता शायद छोटा कुछ नफरत हो सकता है, जेलसी हो सकता है, सभी बात आकर बैठते बैठते कहां मर जा सकता है, इस प्रकार का हत्या का अनुभव है। नहीं तो भी आपको मालूम है नए नियम के अनुसार हत्या करना कोई मतलब चाकू मारना गोली मारने का जरूरत है क्या? नहीं है ना, है ना। कितनी लोग सच में आप को प्रियो, अगर हमारे दिल में मतलब प्रभु के जीवन में हमें जीना है तो सीधा जीवन बिताना है तो हमारे दिल को परखना चाहिए। क्योंकि पहला योहन्ना 3:15 में, पहला योहन्ना 3:15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। ये बैर कहाँ पर रखता है? बाहर कोई बोर्ड टांगा हुआ है क्या? बाहर अंदर रखता है, दिल में बाहर रखकर बात करता है ना। मैंने देखा है कि ये कई बार ये क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह में कई लोग ऐसे ऐसे कुछ बात भेज देता है, वो मतलब क्या करता है वो ऐसे बातों के द्वारा मतलब ये काटा मारता है। अभी उनको भी मालूम है ये क्या कर रहा है, उनका दिल गवाही देता होगा। नहीं प्रियो, अपना ये जो प्रभु का ये जो भी प्रभु ने दिया है प्रभु का महिमा के लिए दिया, उसको गलत इस्तेमाल करेगा तो कितना बड़ा धोखा है। दिल में स्वर्ग देखता है, हमारे दिल की भावना कोई भी कार्य करता है तो आत्मा की अगुवाई में नहीं तो प्रभु की इच्छा में नहीं है तो सारे बातों का वो बात बदल जाएगा, वो व्यक्ति के लिए कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए अभी अपने को यहां पर ये बात को देख रहे हैं कि मतलब मैं एकदम सीधा है क्या? जो भी कार्य करता है वो सीधा काम करता है क्या? अभी आपको मालूम है प्रभु के वजन के आधार में है तो वजन का सहारा लेगा तो फिर बात गलत होगा ही नहीं। जब 33 भजन संहिता उसका 4 भजन का शुरुआत 33 भजन संहिता, क्योंकि आपको सीधा जीवन बिताने के लिए आपको सीधा ही में ले चलने वाला वजन है। ये वजन का गौरव क्या है? क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। बस बस और क्या चाहिए? यहोवा का वजन सीधा है, इसका मतलब आपको प्रभु की वजन जो भी मार्गदर्शन देगा वो सीधा मार्गदर्शन देगा, वो कभी भी आपको गलत मार्ग पर लेकर नहीं जाएगा। इसलिए पवित्र लोगों के लिए भक्तों के लिए 119 के 105 भी आपको याद है ना, तेरा वजन मेरा पाप के लिए दीपक मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब ये तो प्रभु का जन, एक प्रभु का भक्त हमेशा प्रभु के वजन को आधार पाकर के जीवन बिताता है। इसलिए वजन से देने पर बाहे नहीं मुड़ना, प्रभु ने जो कहा वो बात हमें स्मरण रखना, और जरूर आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा पवित्र आत्मा वचन याद दिलाएगा,
वजन से थोड़ा भी देने भाई जाएगा तो तुरंत हमें रन सिग्नल मिलेगा दिल में, जरूर मिलेगा। प्रियो ये आत्मा का अगुवाई हमारे लिए कितना अच्छी बात है, हर बात में प्रभु हमें प्रभु का उस मतलब अनुग्रह के हाथ हमारे साथ चलना है तो प्रभु हमें सीधे मार्ग में ले चलना है तो हमें भी सीधा रहना है। वो एक निधि वजन 11 अध्याय उसका तीसरा वजन का शुरुआत पढ़ेंगे, निधि वजन 11 अध्याय का तीसरा वजन का शुरुआत। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, अगुवाई पाते हैं, अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाता है, बहुत बड़ी बात है। वे लोग कभी भी टेढ़े मार्ग का बात आएगा तो वो छोड़ देगा, ये एक सीधे लोगों का खूबी है। योब का जीवन हम देखते हैं कि योब बहुत एक सीधा जीवन बिताने वाला मनुष्य था, उसमें ऐसे कोई बात का कपड़ा का बात नहीं था। और भी उसका तीसरा गुण क्या है, वो एक भक्त था, क्या बोलता है, परमेश्वर का भय मानता था। हाँ, पर भय मानना या एक भक्त, ये दोनों एक ही बात है, भक्त या भय मानना। आपको मालूम है कि मतलब एक सच्चा भक्त करके गवाही, एक महान भक्त के बारे में बाइबल में लिखा, आपको याद है कौन है, आपको याद नहीं होगा, मैं याद रहता हूं, ओबेदिया। ओबेदिया के बारे में आपको मालूम है कि जब इसबेल ने प्रभु का भक्तों को या दासों को मार डालने के टाइम पर इस ओबेदिया ने क्या किया, यहोवा के मन सौ भक्तों को, सौ दासों को, प्रजाताओं को अपने मतलब छिपाया, उनको गुफाओं में छिपा, उनको भोजन दे करके उनका पालन पोषण किया। आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका तीसरा वजन के बी पार्ट में, पहला राजा 18 अध्याय तीसरा वजन के बी पार्ट। ओबेदिया तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल ने यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी तब ओबेदिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। देखो एक महाभक्त था, अगर उससे पहले वो शब्द में है ओबेदिया यहोवा में महाभक्त था या बड़ा भक्त था, तीन में, हाँ तीन में था ना। आपने ओबेदिया को जो उसके घराने का दीवार था बुलाया, हाँ। भाषा में नहीं आया होगा, ओके कोई बात नहीं। मतलब वहां पर ओबेदिया के बारे में वैसे एक शब्द है, इसलिए मैं आपको पढ़ने चाहा, मतलब अपना मलयालम है, इंग्लिश बोल लो, मतलब तो सबसे बड़ी बात है, और भाषा में है, हिंदी में नहीं आया, नो प्रॉब्लम। तो यह मतलब ओबेदिया एक महाभक्त था, मतलब वो शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैंने वो शब्द को लिया। सादा भक्त नहीं था, एक महाशब्द था, मतलब इतना प्रतिकूल का बीच में भी जब वो इतना हिम्मत रहता, प्रभु का सौ भक्तों को उन्होंने पालन पोषण किया, जरूर वो एक बड़ा, उस समय के अनुसार देखेगा तो वो एक बड़ा भक्ति की बात है ना, एक बड़ा भक्त था। तो प्रियो हमें ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में हमारा हर एक भक्ति वचन के आधार में होना चाहिए, वजन के आधार में सच्चा भक्त, क्योंकि वजन भक्तों के बारे में जब नीली वजन उसका पहला अध्याय का 7 वजन, नीली वजन उसका पहला अध्याय का 7 वजन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखिए यहां पर भक्त का शुरुआत क्या है, प्रभु का भय मानना, बहुत बड़ी बात है। वो सही प्रकार का एक बुद्धिमान का लक्षण है, प्रभु का भय भक्ति वो मन बुद्धि का मूल है बोलते हैं, बोलेगा तो यहां पर प्रभु का भय लिखा है, भय भक्ति ये दोनों मैं आपको बताया एक ही बात को कहता है। तो यहां पर प्रभु का भक्ति या प्रभु का भय मानना ये बुद्धि का मूल है, मतलब प्रभु के वचन हमें क्लियर कहता है, एक भक्त हमेशा प्रभु का भय मान करके हर एक काम करेगा, क्योंकि हमें मिला हुआ आत्मा का खूबी क्या है, वो आत्मा का खूबी में भी वो शब्द हमको मिलेगा। और आपको जानना है तो यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका दूसरा वचन आप देखिए, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा, देखा
मतलब ये प्रभु का भय मानने वाला आत्मा हमें मिला, वो आत्मा प्रभु का भय मानने वाला आत्मा है। आज का लोगों का समस्या क्या है, भय नष्ट हो गया। प्रियो हमारा भय नष्ट नहीं होने देना, प्रभु का भय में जीवन बिताना ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। अभी योग कैसा व्यक्ति था, प्रभु का भय मानता था। आपको मालूम है मतलब योग का पत्नी ने भी उसको क्या बोला था, ए, इतना भक्ति मत करो, ए, उसका जो योग दूसरा देगा ना वजन ना उदस वजन दोनों पड़ेगा। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। हाँ दुख न ले, अरे अगर कोई ऐसा दुख भी आ गया तो वो दुख सहने में क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो एक सच्चा भक्त और एक अवस्था में प्रभु में आनंद रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको आशीष मिलते रहेगा तब हम प्रभु को सम्मान करेगा बाकी समय में प्रभु को भूल जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए प्रतिकूल में योग का पत्नी ने भी बोला, अभी भी ये कराई में क्यों तुम मतलब पागड़ी देते हो, या ये भक्ति में ऐसा भक्त बन करके क्यों जीते हो, है बहुत बड़ी बात है। ऐसा बात आ गया तो प्रभु प्रभु का दास ये बोलता है, तुम एक मतलब मूल श्री की जैसे क्यों बात करता है, कितना अनोखा बात है भाई। हमारे जीवन में हमें ये सच्चा भक्ति से हमें दूर करने के लिए या प्रभु का भय से वंचित करने के लिए विरोधी कई दिन में कई लोगों को इस्तेमाल करेगा, पर तो हमें बात को जानना है कि अभी भी सच में प्रभु का भय मानने वाला, क्योंकि प्रभु का भय मानना एक सच में एक बड़ा आशीष की बात है। यशया भी 8:13 में, यशया 8:13 एक अनोखा शब्द है अगर आप पढ़ेंगे, सेनाओं के यहोवा की सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। देखा, उसी का डर मानना, उसी का ही डर मानना। आज भक्ति करता है भक्तों को प्रभु का डर नहीं, प्रभु का ही डर मानना। यीशु मसीह ने भी बताने के समय में ये बात को बताया, आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार में 10:28 में, तुझे किससे डरना है। आज अधिकतर लोगों का क्या हो गया, सच्चा एक प्रभु के साथ भक्ति वो नहीं करता, क्योंकि कुछ मनुष्यों का डर मानते हैं, दुनिया के डर मानता है, अब मतलब अपने आप से प्यार करने लगता है, ये सारे बात हमारे लिए धोखा हो जाता है। क्या बोलता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। देखा, पर जो उसे पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का डर मानना, ये दुनिया हमें कुछ भी करेगा तो आखिर में हमें गोली मार सकता है, परंतु इससे हमें नुकसान नहीं। प्रियो स्तेवानोस पत्रवा का करके मरने के टाइम में क्या बोला, स्वर्ग खोला हुआ, उस महिमा की दयनीय और हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए देखा। अब देखिए प्रियो हमारे जीवन की यात्रा में मृत्यु बोलेगा तो हमारे एक बड़ा प्रमोशन है, प्रियो बड़ा एक प्रमोशन है। कब मृत्यु आएगा भक्तों के लिए, दुष्टों के लिए तो वो एक भयंकर गिरावट है, भयंकर दुखदायी बात। अब प्रभु में है तो कभी भी मृत्यु से ना डरना, भी कोई भी कुछ भी करे तो भी आप चिंता मत करो। प्रभु का लोगों को प्रभु ने एक्चुअली मृत्यु का डर से छुड़ाया करके वचन में लिखा है, अनुभव भक्तों को होना चाहिए। इब्रानियों 2:14-15 वचन कितना सरल रूप है, मतलब कोई व्याख्या बिना हम वो समझ सकता है, क्योंकि प्रभु हमें हमारे लिए हमारा मृत्यु को हटाने के लिए प्रभु ने मृत्यु सहा, और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारा मृत्यु का मृत्यु था। ये बातों को जानना कितना अनोखी बात है, आप पढ़िएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहो के भागी है तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अतः शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, मतलब प्रभु ने मतलब इस प्र,
प्रकार पाप की मजदूरी मृत्यु का गुलाम बनकर जीने वाला अरे पापियों को जो भी प्रभु पर विश्वास किया प्रभु ने उनको छुड़ाया। आज पाप का मजदूरी मृत्यु आनंद का नरक के बारे में हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें हमारा पाप क्षमा देकर अनंत जीवन देकर स्वर्ग का नागरिक बनाकर पवित्र आत्मा का चाप देकर प्रभु की आत्मा का बपतिस्मा देकर के हमें ये बात को हिम्मत दिलाया। कितना अनोखी बात है। अभी योब एक सच्चा भक्त था। वो भक्त का मनोभावना आपको मालूम है, मन तो सबसे बड़ा धोखा देता है, इसलिए हमें उसका रक्षा करना। तो योब के जीवन में उसका जो मनोभावना क्या था, उसके जीवन का एक स्वभाव क्या था, ये जानना कितना अच्छी बात है। एक कुछ बात मैं आपको बताता हूं इसके विषय में। मतलब उनकी एक सच्चा एक आत्मिक जीवन में एक धार्मिक जीवन में उसका स्वभाव का श्रेष्ठता में योग 31 अध्याय है उसका पहला वचन पढ़ो 31 का एक। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। देखा इसका मतलब क्या है कि अभी आप देखिए उस समय में पहाड़ी उपदेश प्रभु का दास को नहीं मिला था। आज हमको उपदेश मिला फिर भी हम संभालते नहीं है। अब देखिए उस समय में प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश भी नहीं मिला तभी भी योग बोलता है मैं कभी भी एक बारी पर कुदृष्टि नहीं करता। आप देखिए प्रियो आपको मालूम है यीशु मसीह ने यह बात बताया ना, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:28 वचन परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखा अभी वो उसको व्यभिचारी कहा जाएगा। तो अभी आप देखिए उसको व्यभिचारी कहा जाता है व्यभिचारी। अभी हमने क्या सोचेगा, अरे हम थोड़ी व्यभिचार किया, परंतु अगर हमने कुदृष्टि किया है तो हमारा मन में ऐसा कोई विचार आ गया भावना आ गया तो वचन कहता है तूने व्यभिचार किया। ओ, ये जो शब्द कितना अपने को कितना गलत लगता है, ये कई रीति में होता है। आपको मालूम है याकूब उसके बारे में बोलने वाले एक शब्द है याकूब 4:4 में आपको याद होगा हे व्यभिचारिणियों। देखो हे व्यभिचारिणियों करके पुकारता है किसको, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा यहां पर भी एक व्यभिचार है। देखिए ये व्यभिचार कुदृष्टि नहीं, ये व्यभिचार दुनिया का मोह है। अभी आप देखो इसलिए प्रभु का लोग इन बातों में कितना सावधान रहना चाहिए प्रियो है। हमारे जीवन में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। अगर हमने हमको हमको क्या लगेगा, हम थोड़ी मैंने कुछ ऐसा कुछ बुरे काम करता, लेकिन हमारे अंदर दुनिया का मोह है। दुनिया के प्रति हम प्रभु का बातों को छोड़ देता है, दुनिया को हम अपने जीवन में स्थान देता है। प्रियो वचन के अनुसार वो भी विचार नहीं है। देखा अभी ये बात सुनने के टाइम पर बहुत बार लोग एकदम चकित हो जाते हैं। प्रियो हमें इस बातों में सावधान रहना, हमारे दिल में परखना है कि ऐसा कुछ इच्छा मोह हमारे अंदर है क्या। यहां पर योग के जीवन में ऐसी बात नहीं था। योग के स्वभाव में अगर देखेगा तो जब वही 31 अध्याय में कई बात लिखा है, मैं वो 31 अध्याय को हमेशा थामा रहना। अब 31 का 16 पढ़ना यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, वो कंगालों की सुधि लिखता था। अब देखिए वो धनवान व्यक्ति उस दंड पाने वाले जगह में क्यों गया, उन्होंने कंगालों का सुधि नहीं किया। देखिए बहुत भयंकर बात है, ये सब व्यवस्था आने के बाद में ये बात हुआ, लेकिन उससे पहले जीने वाला एक व्यक्ति योब ये बात में उसका दिल में व्यवस्था था। इसका मतलब देखा इन बातों को भी उस समय में वो पूरा करते थे। मैं ये सोचता हूं प्रभु का वचन कितना अनमोल है प्रियो। मतलब धनवान और लासर का दृष्टांत आपको मालूम, धनवान और लासर का दृष्टांत में मतलब धनवान उस प्रकार उस भयंकर अवस्था में जाने का मेन कारण आपको मालूम है वो लासर का उन्होंने सुधि नहीं लिया। जबकि आपको मालूम है जब प्रभु व्यवस्था देने के टाइम पर व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय है उसका 10:11 वचन पढ़ना
आपको याद के लिए पढ़ाता हूँ, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 10-11 वचन। तू उसको अवश्य देना और उसके देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। देखा, ये सब प्रभु ने वचन देने से पहले इयोब यहाँ पर करता था। आप देखिए, इयोब का दिल में ये व्यवस्था था ना, ये इयोब ने कहा से जाना है, उसका दिल में ये बात लिखा था। देखो, इसलिए प्रभु जो भी बात हमारे दिल में प्रभु का महिमा के लिए लिखा हुआ बातों को भी समझना क्या अनोखा बात है। देखो, इयोब के जीवन का उनका मनोभाव ने कहते था, मैं दरिद्र को खिलाते बिना मैं नहीं कहूंगा। क्या भावना है प्रियो? और उसका वही 31:24 से पढ़ना। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता। हाँ, बोले करते वो इतना दुनिया की बातों के लिए वो कभी भी पीछे नहीं पड़ता था। आज आप अंबानी को भी पूछेगा तो बोलेगा और भी पाना है मुझे, वो कितना भी बिल्ले से तसली भी नहीं, वर्ल्ड भर का कितना भी धनवान लोग है वो और भी और भी और भी और भी और भी और भी पाने के चक्कर में यो भाई से नहीं था। योग धन के संबंध में एक कैसे भी मुझे एक बड़ा धनवान बनने का लक्ष्य योग का नहीं था। अपने को फर्क नहीं पियो। आज कितने लोग ये धन के पीछे प्रभु को छोड़ देता है, आत्मीय जीवन को छोड़ देता है, तुच्छ कर देता है। परंतु धन के संबंध में भी योग वहां पर बहुत विजयी था। उसका 31:29 पढ़ना। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता। हाँ, देखा, मतलब दुश्मन के संबंध में भी ओ कैसा दिल वाला था प्रियो। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पगाड़ी उपदेश मिलने से पहले योग का दिल में कैसे था, वो कभी भी अपना दुश्मन का नाश नहीं चाहता था। अभी आपको सबको याद है कि हमारे जीवन में हमें सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बताया है। तो सबसे बड़ी बात है अपने को ये जानना है कि आज मेरे जीवन में प्रभु का ये वजन कहां तक मतलब मैं अनुभव में ले पा रहा है। थोड़ा आप लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ा पढ़ो। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। देखा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। भला करो। देखो प्रियो, ये पहाड़ी उपदेश वाला प्रभु बोलने से पहले योग ऐसे बातों का आचरण में जीवन में जाता था। क्या आना का स्वभाव है ना, उसकी मनोभाव है ना कितना अच्छा है। इतना ही नहीं, उसका 33 पढ़ना, 31:33। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपा कर, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, योग हमेशा जीवन में जब गलती होता है तो कबूल करने में वो पीछे नहीं आता था, कबूल करता था। योग अपनी गलतियों को कबूल करता था। आदम भी ऐसा पाप को छिपा कर नहीं देगा। देखिए, आदम ने क्या किया आपको सबको मालूम है, अभी आदम ने प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल नहीं किया। तूने क्या किया, मैंने मना किया हुआ वो भलकाया क्या, अभी मतलब मैं काया ऐसा नहीं बोला, सीधा बोलते हैं वो आपने दिया ना, वो स्त्री उसने दिया, मैं काया, मेरा थोड़ी ये था, लेकिन मैं ऐसे नहीं काया, वो आपने वो एक स्त्री दिया था ना, उसने दिया वो मैं इसलिए काया। देखिए, मतलब अपने पाप को किसी प्रकार भी, मेरा गलती नहीं उसका गलती है, आधा गलती तेरा भी, क्योंकि ऐसा एक स्त्री को तूने दिया जो कि मुझे कहना पड़ा, मेरा कोई गलती नहीं। वो अपना पाप को छिपाया। आज भी वही स्वभाव है ना, कुछ भी गलती के बारे में पूछेगा तो नहीं नहीं मैं नहीं, उसने ऐसे किया इसलिए ऐसे हुआ, हमेशा दूसरे के ऊपर डालने वाला वो आदमी स्वभाव आज भी बहुत लोगों के जीवन में हम देखते हैं प्रियो। वो बात योग का नहीं था, योग ऐसा कोई भी प्रकार आदमी स्वभाव से वो एकदम अलग व्यक्ति था, इसलिए प्रभु ने गवाही दिया।
क्या अनोखा बात है प्रियो, युग का मनोभावना कितना अच्छा है, है? तो इसलिए अपने आप को परखना है प्रियो। प्रभु जैसे युग किताब में एक वजन 13 अध्याय का 9 वजन में हम पढ़ता है, युग एक सवाल पूछता है, युग अपने जीवन को परखता था, लेकिन युग का वजन किताब में उसका 13 अध्याय का 9 वजन, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? हाँ ये भला होगा क्या वह तुझे जांचे प्रियो, मतलब योग अपने जीवन को जांचता था, योग अपने जीवन को परखता था, हमारे जीवन को परखना है प्रियो। आपको याद होगा जब दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में भी प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को बोलता ना कि तू अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हमें परखना है प्रियो, एक सच्चा विश्वास का जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है, पर हम मसीह को नहीं जी रहा है, हम स्वयं जी रहा है, उसका मतलब हमारा मसीह जीवन में कहीं ना कहीं धोखा खाया है प्रियो। हमें परखकर देखना है कि आज मैं अगर प्रभु के सामने कैसा है, प्रभु मुझे परखेगा तो युग के स्वभाव में उसके मन की भावनाओं में तक प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु का भय मान कर जीने वाला है ना, ऐसे एक व्यक्ति था युग। जब दाविद अपने जीवन के बारे में 17 भजन संहिता उसका तीसरा भजन पढ़ना, 17 भजन संहिता का तीसरा भजन, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। यही तो रात का समय में ज्यादा गड़बड़ होता रहूंगा, रात का समय में या कोई सोने के बिस्तरे में लोग फालतू बातें सोचते सोचते, कई लोग बोलते हैं नींद नहीं आता, क्यों नींद? नींद प्रभु देता है, आप प्रभु से अलग होकर के आप ऐसा फालतू बातें गंदी बातें विचार करते रहेगा, नींद कैसे मिलेगा? कई बार लोग बोलते हैं नींद नहीं आता, बोल ही लेता है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का अनुग्रह से जब से प्रभु में आया ना, नींद का गोली भी ऐसे काम नहीं करेगा। मैं लेट गया तो मतलब एक मिनट के अंदर में गाढ़ा निद्रा में पहुंच जाता है। अभी भी ये मेरा जीवन का एक अनोखा स्वभाव है, अनोखा गुण है, ये प्रभु की ओर से मिला है प्रभु। और इतना सुंदर शांत, मैं तो लेटने के टाइम पर भी कोई वजन ध्यान करके लेटता हूँ, वो वजन लेटते लेटते ध्यान करते करते जब उसका एक संदेश पूरा होता है प्रभु जगाता है, और वो भी प्रभु को बोलता हूँ प्रभु 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट, वो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरा थकावट दूर होकर के फ्रेश होकर के, ये अभी भी मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे प्रभु का बढ़िया ऐसा अनुग्रह मिला है, कृपा मिला है प्रियो। दाविद अपने जीवन को कहता है, वापस पढ़ा उसको, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। कुछ भी खोटापन नहीं पाया, कितना अच्छी बात है प्रियो। आपका यह वजन कैसे लगता है? आपका दिल को यह वजन छू रहा है क्या? प्रभु का दृष्टि में कुछ भी खोटापन नहीं पाया, मारो उसका दिल में कुछ भी ऐसा कुछ प्रभु नफरत करने वाला कोई बात नहीं था, इसलिए शायद बोला होगा दाविद ने 19 भजन संहिता का 14 वचन में, वो भी कहा अनोखा वचन नस्तिक में मिलता है। आप लोग देखिए 19 का 14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। इतना अनोखा बात है, मेरे दिल की विचार और मेरे होठों के शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य होना, ये तो नहीं है कि दिल में और कुछ और होठों में और कुछ। आज दुनिया का स्वभाव ऐसा ही प्रियो, भक्त का स्वभाव में ऐसा नहीं होना। हमारा दिल से जब हम जो भी बात करता है दिल से कर, और वही बात होठों से आना है ना, वही स्वभाव मतलब मुझे लगता है ना दाविद का, वही बात अपन 27 वचन संहिता का 4 वचन में भी प्रभु को वचन में वो एक प्रार्थना करता है, एक बात को वो मांगता है। वो क्या मांग रहा है? वो सिर्फ मुंह से नहीं मांग रहा है, दिल से मांग रहा है, वो बात का भी भाव हम देखते हैं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसके उसके यत्न में लगा रहो कि मैं जीवन भर यहोवा का भय यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। देखो कितना आनंद का बात है ना, वो बोलता है कि प्रभु मैंने एक बार मांगा है और वो मेरे दिल में दिल के अंदर से मैं मांग रहा हूं। आज कई बार कई लोग
प्रार्थना करता है तो दिल से नहीं, स्वर्ग देखता है हमारा प्रार्थना कैसा है ना। कई लोग बोलते ना कुछ निराशा लेकिन मेरे को मरना काफी प्रभु, मेरे को ले लो ले लो, दिल से नहीं बोल रहे हूँ सर, वोटर में बोल रहे हैं, थोड़ा उसको परखेगा तो मालूम पड़ेगा, नहीं 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 अभी मुझे नहीं मालूम, देखो पीछे हट गया, स्टेटमेंट ले लिया वापस, ऐसे नहीं करना प्रियो। हम जो भी कहता है प्रभु के साथ, आप किसको बोल रहे हैं प्रभु आप ले जाओ ना ले जाओ ना, किसको बोल रहे हैं, प्रभु को बोल रहा ना, सच्चा दिल से बोल रहे हैं क्या? अरे आपने कितना प्लान बनाकर बैठा हुआ है, है? लेकिन लोग ओ, कुछ निराशा का बात हो सकता है लेकिन नहीं बोलना प्रियो, हमारा प्रभु का हाथ में हमारे जीवन है, प्रभु हमारे साथ है, है? प्रभु हमको जो भी मार्ग में ले चलता है हमारा भलाई के लिए, वो हमेशा हमारा भलाई चाहता है। इसलिए ये बात को जाना हुआ दाविद बोलता है मुझे प्रभु राजमहल में रहने से बढ़कर के तेरी उपस्थिति मेरे को अच्छा लगता है, मैं तेरी भवन में तेरी उपस्थिति में तुझको ध्यान करते हुए हमेशा रह पाऊं। क्या प्रियो आपका दिल में ऐसे चाहते है? ऐसा एक व्यक्ति था यू, अपने जीवन में अनेक अवस्थाओं में प्रभु के संग चलता, प्रभु को महिमा देख करके यू मिलाता, उसकी मनोभावनाओं में तक प्रभु का गौरव था। शायद योग 27 का 4 थोड़ा पढ़ना, योग 27 का 4 एकदम, उसमें भी एक ऐसा गवाही है, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। देखा यो बोलता है मेरी मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। देखो क्या गवाही है, जिन्होंने जीव पर विजय पाया वो तो पूर्ण रूप में सच्चा भक्त है। जीव को कंट्रोल में लाना बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए अभी योग बोलता है मैं मेरे जीव से भी कोई कुटिल बात नहीं कहूंगा। हमारे जीवन में प्रियो ये सब आत्मा के अधीन करते हुए जीवन बिताने वाला एक अनोखा अनुभव है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। आखिर योग का हमारे में जो भक्त उसका जीवन का एक और स्वभाव को भी थोड़ा जल्दी देख करके हम समाप्त करेंगे। उसका चारवा स्वभाव क्या था, मतलब हर बुराई से दूर रहता, है ना, वैसे बुराई से दूर रहता, हाँ बुराई से दूर रहता। हाँ प्रियो जो भी व्यक्ति सच में प्रभु को चाहता है, प्रभु की संगति चाहता है ना, मतलब उस स्वर्गीय आनंद में रहना चाहता है, उसको बुराई से दूर रहना है, पाप से दूर रहना, पाप देख लिया तो वहां पर रुकना नहीं। कई लोग कहना कहीं झगड़ा हो रहा है तो उधर ही जाएगा और आकर मैं वो झगड़ा में वो भी भाग लूंगा, आकर वो जेल में जाएगा, ऐसे लोग है। मैं खुद सेंट्रल जेल में ऐसा एक गवाही पाया मैंने, मैं वैसे जा रहा था तो वहां पर झगड़ा हो रहा था, मैं उधर गया और आकर मुझे भी शामिल होना पड़ा, देखो और वो भी उसका भाग हो गया। इसलिए प्रियो प्रियो पाप देखता है बुराई देखता है उधर मत रुको भागो, जैसे योसेफ भागा, अगर वो रुकता तो जरूर वो भाव में गिर जाता। प्रियो ऐसा पाप से भागने वाला एक दिल, पाप देख लिया तो उसको त्यागने वाला एक दिल, पाप देख लिया तो उसको छोड़ने वाला एक दिल, पाप देख लिया तो उसको निकाल कर फेंकने वाला एक दिल, ये हमारे अंदर चाहिए। हरेक पाप से बुराई से पाप लेकर के जाना, ये बुराई लेकर के जाना, अभी हमने ऐसे कितनी बात जाना ये पाप है, ये हमको धोखा देगा। शायद मैं भी इस बात में शामिल हूं, मैं कई बार सोचा है कि अभी मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर तो गुस्सा आ जाता है, क्या करें, प्रेस आप नहीं आता है ना, आप लोग अच्छा है, आप लोग मेरे से कितना अच्छा है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं प्रियो, हमारे जीवन में हम जो भी बात जो अच्छा नहीं उसको छोड़ना है, जिससे प्रभु का महिमा नहीं होता, पर तो हम कई बार नहीं छोड़ता, अपने साथ रहता है, एक बड़ा धोखा है। यदि हम वो जीवन देखने चाहते, वो पत्रोस का पत्री में एक सुंदर एक बात है, वो भी बोलकर मैं जल्दी समाप्त करेगा, पर पत्रोस 3 अध्याय उसका 10-12। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखा, जो कोई जीवन का इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीव को बुराई से देखा प्रियो, जीव को बुराई से और अपने ओटो को छल की बातें करने से रोके रहे। रुके रहो प्रियो, रुको
ये जीव बहुत खतरनाक है, इसलिए बोलते ना जीवन का वश में जीवन और मृत्यु है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं प्रियो, ये वचन जो भी बताता है आप याद करना। और आप जीवन देखना चाहता है और एक अच्छा भविष्य आप चाहते हो तो प्रियो इस बात में सावधान रहना। और आगे बढ़ो, वो बुराई का साथ छोड़े। हाँ, अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, बुराई का साथ छोड़े। प्रियो मैं आपको बोला ना, कोई भी हंगामे में मत जाकर पढ़ो प्रियो, है देखो बहुत लोग बहुत काम करता है, प्रभु का निंदा का काम करता है, कई लोग उसमें जाकर शामिल होता है, ऐसे शामिल हुआ हुआ कई लोगों को आया हुआ आत्मीय गिरावट देख करके दिल में बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वचन में, ये वचन के सहारा नहीं लिया, उसको अपने आप को बुद्धिमान लेगा है, इसलिए वो जाकर के धोखा खाया। ऐसा मत करो प्रियो, एक एक वचन में कितना आत्मिक प्रकाशन है, कितना गहराई की बात है। और आगे, और भलाई करे। और वो मेल मिलाप को ढूंढे। देखा मेल मिलाप को ढूंढे, आपको मालूम है ना इब्रानियों 12:14 में लिखा है कि हरेक के साथ मेल मिलाप मेरो, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मेल मिलाप को ढूंढे है ना, मत्ती 5:9 में लिखा है जो मेल मिलाप करता है वो परमेश्वर का संतान है। हाँ प्रियो, प्रभु का लोग फूट नहीं करता, दूसरे के दिल में ठोकर खाने वाला कार्य नहीं करता, मेल मिलाप। प्रियो प्रभु का जन्म कैसा एक गवाही के जीवन बिताना चाहिए। आज कितने लोग कितने प्रकार क्या क्या बातें करके लोगों का दिल को मतलब प्रभु से और प्रभु के जन से दूर करते हैं, उनके अंदर काम करने वाला आत्मा कौन सा है प्रभु को मालूम, उस व्यक्ति को भी मालूम। आगे, और उसको यत्ने से और उसके यत्ने में रहे। हाँ। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें, पिछले दिन में भी हमने देखा ना, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। और उसके कान उसकी बिनती की ओर लगे रहते हैं। देखो कौन है धर्मी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रभु की दृष्टि में वो धर्मी है। आपका जीवन में प्रियो, और आगे, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के सम्मुख रहता है। हाँ, उसका सामना करता है, बुराई करने वाला व्यक्तियों का प्रभु सामना करता है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक चेहरा भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, एक बात है प्रियो, योब कितना अनोखा, योब के बारे में कितना कितना भी अपन स्टडी करेगा तो वो कैसा उन्होंने इन बातों पर विजय पाया, क्योंकि उन्होंने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, प्रभु का वचन को प्रथम स्थान दिया ना। आज हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देता है क्या, यीशु मसीह की प्रभुता हम मानते हैं क्या, ये बात को हमें जांचना है, हमें जरूर जांचना, क्योंकि हमें कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं। आज हमें सच में वो स्वर्ग का शांति हमारे दिल में राज कर रहा है क्या, प्रभु राज करता है तो वो शांति का अनुभव आपको रहेगा ना। एक कोलोसियों 3:15 बोलते बोलते आत्मा ने याद दिलाया तो वो भी आपको बधा ही देता है, क्योंकि क्या मालूम आज ललकार हो जाए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो। हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या करना है? राज करना, राज करना, प्रभु का शांति तुम्हारे हृदय में राज करना। क्या अनोखे शब्द है प्रियो, ओ बहुत अनमोल बात है प्रियो, मसीह के शांति में आज जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। आप देखो दुष्ट के दिल में शांति नहीं, हमने कल आराधना में भी हमने सुना था, लेकिन एक बात जानना आपको, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का शांति हमारे दिल में राज कर पा रहा है क्या, परखना प्रियो। मैं आग्रह करता हूं आप जरूर ये संदेश सुनने के बाद में अपने जीवन को परखोगे, जांचोगे। हर रोज हमें प्रभु के वचन के साथ इस रीति में मिलने के लिए प्रभु मौका दे रहा है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। इसलिए और एक सच्चा भक्त का स्वभावों का बारे में हम जान रहा था, इसमें हमने आज योब को देखा था, योब का जीवन का चार स्वभाव को हमने परखा है ना, वो कैसे है, खरा है, सीधा है, और प्रभु का भय मानने वाला है, और हर बुराई से दूर रहने वाला है। कितना अनमोल बात है प्रियो, आज हमारे जीवन में हम अपने आप को परखेगा तो इन बातों के सामने हमारे जीवन आज कैसा है, हमारा दिल इस बात में क्या गवाही दे रहा है, जरूर आप परखना जांचना। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।